गाइस वेलकम टू द वीएस किचन। तो आज हम बनाने वाले हैं बिना आटा गूंधे और ज़्यादा मेहनत किए बिना आलू के पराठे बनाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने बढ़िया, कितने सॉफ्ट ये आलू के पराठे बने हैं। आप सुबह की भागा दौड़ी में ये पराठे बनाकर दीजिए अपने घर पर, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बिना ज़्यादा मेहनत किए बन जाते हैं और बिना आटा गूंधे। तो चलिए बिना आटा गूंधे आलू के पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 1 किलो आलू, उनको हमने धोकर काटकर उबाल लिया है। नमक लिया अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स यानी कि हरा धनिया पत्ता लिया है। लाल मिर्चों का पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। चाट मसाला और जीरा पाउडर जो हमने लिया है यहाँ पर 2 टीस्पून लिया है दोनों चीज़ों को, और गेहूँ का आटा लिया है 4 to 5 टेबल स्पून। तो सबसे पहले हम आलुओं को कद्दूकस करेंगे। तो यहाँ पर हम आलूओं को कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। अब इसके अंदर हम सारे मसाले ऐड करते जाएंगे जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है बड़ा चम्मच, इसको भरकर हम 4 to 5 टेबल स्पून गेहूं का आटा डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। आप चाहे तो स्पून से भी इसको मिक्स कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, जैसा आपको बेहतर लगे आप ऐसा कीजिए। तो यहाँ पर हमने आलूओं का मिक्सचर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए आप बनाना शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा पोर्शन लेंगे आलू का जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, और इसको थोड़ा सा हम हथेलियों से प्रेस करेंगे यानी कि गोल गोल करेंगे, और फिर सूखे आटे में हम इसको डस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक पेड़ा बन चुका है। तो अब चलते हैं हम इसको बेलने के प्रोसेस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको हल्के हाथ से प्रेस करते हुए और सूखे आटे की मदद से हम इसको बेल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पराठा बेल चुका है। यहाँ पर हमने लिया है नॉन स्टिक तवा और इसके ऊपर लगा दिया थोड़ा सा ऑयल और पराठे को डाल दिया है। गैस के फ्लेम को हम लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल हम इसके साइड्स पर डाल देंगे और इसको एक साइड से थोड़ा सा सिकने देंगे। तो इसको अब हम पलट देंगे और लगाएंगे इसके ऊपर ऑयल, और दूसरी साइड से भी हम इसको हल्का सा सिकने देंगे। ऑयल लगाने के बाद हम इसको पलट देंगे ताकि इधर से सिक जाए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा पराठा है वो दोनों साइड से अच्छे तरीके से सिक चुका है। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसी के जैसे हम अपने सारे आलू के पराठों को बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे आलू के पराठे हैं वो सारे बनकर रेडी हो चुके हैं। आपने देखा इनको बनाना कितना इजी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगते हैं। आप इनको अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दीजिए, सुबह के नाश्ते में बनाइए, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं और झटपट से बन जाते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको हमारी कैसी लगी लाइक कमेंट और शेयर करें, और हमारे चैनल द वी एस किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।